धूमधाम से मनाई गई वीरांगना झलकारी बाई की जयंती। भव्य शोभा यात्रा नगर उरई में निकाली गई। वहीं कोरी समाज ही नहीं, सभी समाज के लोगों ने कोच बस स्टैंड से झलकारी बाई स्मारक पर पहुंचकर वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। सबसे पर जिले की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, पूर्व विधायक दया शंकर वर्मा ने भी वीरांगना झलकारी बाई का माल्यार्पण किया। सन 1857 के स्वतंत्र संग्राम आंदोलन की वीरांगना झलकारी बाई को जयंती पर विभिन्न संगठनों ने कोच बस स्टैंड पहुंचकर झलकारी बाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अवसर को बिल्कुल भी ना कमाएं और आगे बढ़कर प्रदर्शन करें, ऐसे लोग और भी बिरले होते हैं। तो महारानी झलकारी बाई जो है वो उन्हीं लोगों में से एक थी। मैं उन्हें महारानी कह रही हूँ क्योंकि व्यक्ति अपने कर्म से राजा बनता है और उन्होंने अपने कर्म से अपने आप को साबित किया। आज हम उनको याद करकर उन बलिदान की भावना को, उस निष्ठा की भावना को याद कर रहे हैं, उस समर्पण की भावना को याद कर रहे हैं, उस महान उद्देश्य को याद कर रहे हैं कि हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए। और यदि हमें अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी करने का अवसर मिलता है तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और हम जो है उसके लिए अवश्य काम करें। और एक जो उन्होंने बहुत अच्छी बात सिखाई कि मुसीबत की घड़ी में कभी भी घबराना नहीं चाहिए और साहस से और एकजुटता से काम लेना चाहिए। जबकि स्थितियां एकदम विपरीत थी, महारानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़कर जाना पड़ा था, लेकिन ऐसे समय में भी उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपने देश की सेवा की। यही जज्बा यदि इस देश के हर नागरिक के अंदर होगा तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्देश्य है कि हमारे भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।